नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में आपत्तिजनक बयानों के कारण खासा विवाद हुआ था और इस मामले में कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बाकायदा चौपाइयों का पाठ पढ़ाकर उनका सही अर्थ समझने की नसीहत दी थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। दिवाली के दिन जहां पूरा देश महालक्ष्मी की पूजा करता है, महालक्ष्मी की आराधना करता है, उसी दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने महालक्ष्मी का अपमान किया है। उन्होंने खासी विवादित टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के दिन एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, दो छिद्रों वाली नाक के साथ एक सर, पेट और पीठ ही होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, 20 हाथ, वो हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायनों में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ वे निभाती हैं। अब पत्नी की पूजा करना, उनका सम्मान करना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ लक्ष्मी पर इस तरह की टिप्पणी करना क्या ठीक है। जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो इसके बाद उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके इस पोस्ट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है, योगी सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और भी उनके कई समर्थकों ने इस पर बयान दिया है और तरह तरह की टिप्पणियां की है, साथ ही उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है सोशल मीडिया पर। फिलहाल उनके इस बयान पर और आचार्य प्रमोद कृष्णम के उनके मुंह में बवासीर वाले बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।